रेफरेंस ऑफ क्लास 12। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, 7 तक बल्कि। ये क्वेश्चन नंबर 5 रह गया आपका बीच में। इसमें लिखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा, साइन क्यूब एक्स को लिख लूंगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। आप देखो साइन एक्स डिफरेंशियल होता है, किसका डिफरेंशियल होता है, कॉस एक्स का। आप कॉस क्यूब एक्स को भी लिख सकते हो कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फिलहाल मैं साइन एक्स ऐसे रह लूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन एक्स, कॉस क्यूब एक्स अंदर जाके कितना हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, माइनस कॉस की पावर कितना आएगा 5 एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे, कॉस एक्स को टी मान लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स, टी का डी टी बाई डी एक्स। क्या जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। तो साइन एक्स और डी एक्स की जगह कितना आएगा, माइनस के डी टी माइनस डी टी। इसको क्या माना था मैंने, टी, तो याद आएगा टी क्यूब माइनस के टी की पावर है, टी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर 4/4, टी की पावर 6/6 प्लस कितना आएगा सी, यह आ गया माइनस, टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, कॉस की पावर 4x/4 माइनस की कॉस की पावर 6x/6 प्लस कितना आएगा सी। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स को लिखा मैंने साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, कॉस क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x, कॉस एक्स को टी माना, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स, टी का डी टी बाई डी, साइन एक्स डी एक्स टू टू माइनस डी टी, इस साइन एक्स और डी एक्स का कितना आ गया माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आ गया डी टी, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5, टी क्यूब का टी की पावर 4/4, टी की पावर 6/6, टी की वैल्यू रिटर्न कर दी, आंसर आया। क्लियर, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, दो हाफ एंगल आइडेंटिटी याद कराई थी, वो भी एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, हमें हाफ एंगल आइडेंटिटी वो लगानी है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। वन से वन कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2/2 कॉस स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। अब देखो मेरी बात समझो, बहुत टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता कभी भी, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम sec स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, तो उसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, टेन एक्स बाई 2, और बाई 2 का दोबारा क्या करेंगे डिफरेंशियल 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो याद रहेगा 2 tan x by 2 माइनस का x पर प्लस सी। ठीक है, पहले हमने क्या करा, 1 माइनस cos x के हाफ एंगल आइडेंटिटी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2, या गेट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कटा, tan स्क्वायर x by 2 आ गया, tan स्क्वायर x by 2 का इंटीग्रेशन होता नहीं sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1, इसका tan x by 2 x by 2 का 1 by 2, 1 का x प्लस सी, तो आंसर आ गया। क्लियर, तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8 हो गया।